जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और चलिए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग में हम आप सबको दिखाने वाले हैं कि हमें क्या क्या गिफ्ट मिला हुआ है। तो बस कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। क्योंकि तो दोस्तों आप सबको भी तो वेट होगा ही ना कि गिफ्ट में क्या मिला हुआ है, पति देव जी ने क्या दिया है और सब लोगों ने क्या दिया हुआ है। तो मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ आप सबको। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम हो चुकी है और अब चल रहे हैं हम अपना गिफ्ट का पिटारा खोलने। इन्होंने क्या दिया है बताइए, आपने क्या दिया हुआ है? हम तो दिले वाले गुलाब के फूल। इन्होंने अपना दिल दिया हुआ है। दिलवा। तो इन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है। दिल बने। ये इसमें उल्टा ही देखेगा, फ्रंट है ना। तो पता है सब कुछ मतलब ऐसे मैंने रख लिया है सबका अलग अलग करके, पता चलेगा। और उसमें है कि कौन क्या लाया है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको कि क्या गिफ्ट मिला हुआ है मुझे। बार बार जो है ना लाइट कट जा रही है, तो आप लोगों को हम बैक कैमरे से दिखा रहे हैं सिर्फ, मतलब कैमरा ऑन करके, कि गिफ्ट क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, तो गुड इवनिंग दोस्तों, शाम हो चुकी है और मैंने अपने गिफ्ट का जो पिटारा है वो खोल चुकी हूँ। और चलिए आप सबको दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला हुआ है मुझे गिफ्ट में। तो सबसे पहले मैं किसका दिखाऊँ, इनका नहीं, इनका सबसे बाद में दिखाएंगे, सबसे फर्स्ट में दिखाते हैं और जो फैमिली मेम्बर्स थे उन सब का। तो चलिए सबसे पहले मतलब अपने मायके की शुरुआत करती हूँ कि वहाँ से क्या आया हुआ था। तो वहाँ का जो है ये वीडियो इन लोगों ने शूट कर रखा है, मेरी सिस्टर लोगों ने, तो देख लीजिए आप लोग। उसी टाइम जैसे ये लुक लेकर आई, उतनी टाइम में मैंने बोला कि इसको जल्दी जल्दी तुम लोग शूट कर दो वरना मैं सारा सामान निकालूंगी तो सब इधर उधर हो जाएगा। तो इन लोगों ने ले लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था उसको, तो वो आप लोग वीडियो देख लीजिए और इसके बाद कंटिन्यू रखते हैं। डेकोरेट कर रही हैं पूरा रूम। अरे वाह वाह, तो तुम लोग ये सब करो बैठ के, मैं जो है ये सब देख लीजिए। इन लोगों का सामान है, बहुत ही खूबसूरत सामान है, लिपस्टिक रेड कलर बहुत सुंदर है। अच्छा चलो, सब कुछ अच्छा है, तुम लोग करो ये सब देख, मतलब रख इसको एक जगह रख देना, आ रहे हैं हम बस अभी रेडी होंगे। तुम ले लो अच्छे से, ठीक है, लो ले। इसको ज़ूम करके दिखा। ओह वाह, कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है ये इयररिंग। और ये रही चूड़ी बैंगल्स, ये जूड़ा अपने। इधर बैलून पूरा डेकोरेशन के लिए, ये रिंग बहुत प्यारी लग रही है। इयर रिंग्स तो मेरी पसंद की है ना। तो पता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना कि क्या क्या गांव से आया हुआ था, और मतलब ये जो सारा सामान ये लोग दिखा रही हैं, इयर रिंग और चूड़ी और वही जो होता है साड़ी में, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, यही सब था। और बस मतलब मतलब मुझे जो है सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और साड़ी मैं फिर से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ क्योंकि इसका लिंक भी मैं दे दूँगी, आप लोग इसे मंगवा सकते हो। बहुत खूबसूरत ये साड़ी है, देखिए पास से मैं दिखा दे रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल हल्की है। जितनी ये खूबसूरत है ना, उतनी ही पहनने पर बहुत मतलब एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो बहुत अच्छी साड़ी है, आप लोग भी इसे मंगवा सकते हो। उन लोगों ने जितनी भी शॉपिंग किया था
मेरे सिस्टर लोगों ने जितने भी शॉपिंग किया हुआ है वो सारी की सारी मीशो से किया हुआ है। इयर रिंग का भी आप लोग को अगर इयर रिंग और चूड़ी वगैरह अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ले सकते हो, ऑनलाइन मीन्स मीशो से मंगवा सकते हो। सब कुछ उन लोगों ने मीशो से ही लिया था, और रिंग भी एक लिया था उन लोगों ने, वो भी मीशो का ही था, तो अच्छा लगा। लेकिन हाँ, चूड़ी जो है ना मुझे थोड़ी सी महंगी लगी, क्योंकि सेम वही चूड़ी मैं दूसरे कलर में अपने लिए ली थी यहाँ से, क्योंकि पहले मैंने सोचा था ना कि मैं ये साड़ी का नहीं सोची थी, वो लोग बोल रहे थे शायद ब्लाउज मतलब नहीं सिल पाएगी, तो हमने सोचा था कि इस कलर का मेरा लहंगा था मैं उसको पहनूंगी। इन्होंने ये मतलब 2-3 साल पहले मुझे गिफ्ट में दिया हुआ था, जब मैं अपने गांव पहली बार जा रही थी अपने मायके, तब ये मुझे दिल्ली से वो लाए थे, तो मैंने सोचा था वही पहनूंगी, तो उसके लिए मैं चूड़ी वगैरह और नेकलेस वगैरह लिया हुआ था। बट ये लोग लेकर आए तो मैंने इनको दिखाया, तो इन्होंने बोला कि ये साड़ी पहन लो गर्मी में, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, वो भारी पड़ेगा, परेशान हो जाओगी, काम भी करना होगा। तो फिर मैंने जो है इसको पहन लिया, तो वो सारी शॉपिंग भी हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने क्या क्या मुझे दिलाया है। तो साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, और इसका ब्लाउज तो इतना गजब है ना कि बता नहीं सकती हूँ। इतनी मैंने डिज़ाइन दे रखा था, मैंने बताया था कि ऐसे तुम लोग सिलवाना, और एक दिन में उसने जो है सिला हुआ है, जिससे वो लोग सिलवाई हैं उन्होंने एक दिन में सिला हुआ है, वो भी हमारे मतलब रिलेशन के ही हैं। ये देखिए, ये आगे से है और पीछे से कुछ इस तरह है। मतलब बहुत खूबसूरत ये है ब्लाउज। तो ये हो गया हमारे मायके का। और इसके साथ में जैसे हर बार क्या होता था ना, मिठाई वगैरह आती थी, तो इस बार मैंने मना कर दिया था, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत डांटा हुआ था कि तुम जब भी देखो वहाँ से सब कुछ मंगवा लेती हो, इस बार नहीं मंगवाना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं मंगवाऊंगी, फिर भी पापा लोग होता है ना मतलब अपनी तरफ से वो करते हैं, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, आपको जो होगा पैसे वगैरह दे देना, लेकिन ये और कुछ मत दीजिएगा। तो उसके लिए मतलब 1001 रुपये भी दिए थे पापा। ओके, और अब बात करते हैं, अब मेरा जो मौसी का लड़का मेरा भाई आया हुआ था, तो मेरे खुद के भाई नहीं है, लेकिन इतने के लिए बहुत अच्छी है कि अगर कभी एक बार अभी मैं बोल दूँ कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और तुम लोग आ जाओ, या फिर ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो लोग कहीं से भी हाजिर कर देते हैं, और ख़ुद भी मतलब अगर बुला दूँ कि आना है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये वो कुछ भी, तो वो लोग आ जाते हैं। मतलब भाइयों का प्यार बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत मतलब इस मामले में हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि इतने अच्छे अच्छे भाई मिले हुए हैं। तो जब भी मैंने अपनी एनिवर्सरी मनाया, हमेशा वो केक खुद लेकर आता था। तो मैं क्या करती हूँ, अभी छोटा है, काफ़ी छोटा है, अब तो जाके उसने मतलब कोचिंग अपना खोला हुआ है, अभी तक तो खुद स्टडी करता था, तैयारी करता था। तो जैसे बहुत ज़्यादा इसके पहले तो और भी अच्छे से एनिवर्सरी मैंने किया हुआ था, तो 2-3 हज़ार रुपये उसके खर्च हो जाते थे, 3-4 हज़ार रुपये, तो मैं हाफ उसको ना जाते टाइम मतलब रिटर्न कर देती थी जो मुझे सही लगता था। तो इस बार भी लेकर आया, बोला ये मेरी तरफ से, जो केक आप लोग देख रहे थे वाइट फॉरेस्ट का फ्लेवर का केक था, कपल केक था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो डैमेज हो गया था केक, और केक और जो भी मतलब डेकोरेशन का सामान था वो भाई ही लेकर आया था। तो उसमें मैंने जब वो जा रहा था, तो होता है ना कि भाइयों को कुछ आदमी भाई या बहनों को कुछ देता है, तो मैंने उसमें से कुछ पैसे उसको दे दिए थे, क्योंकि देखिए मतलब छोटा है अभी, और उतनी दूर से चले आना और इतना कुछ मेरे लिए करना बहुत अच्छी मतलब बहुत बड़ी बात है, तो उतना मेरे लिए बहुत है, उन लोगों का प्यार ही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही वो लोग आते रहें, अपना प्यार देते रहें, यही बहुत है। और बात करते हैं उसके बाद जो है दीदी की, दीदी ने क्या दिया था। और भी मेरे भाई आते हैं, लेकिन इस बार मैं बोल रही थी ना कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का कोई वही नहीं था, तो सुबह मैंने जिसको बोला तो जो आप आया वो आ पाया, नहीं तो और भी मेरी मौसी उसी के मतलब लड़के आते हैं, तो वो लोग इस बार नहीं आ पाए। और दीदी की बात करें तो दीदी ने दिया हुआ है एक साड़ी और एक बिछिया, 1 पेयर, और साड़ी है, साड़ी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, बहुत ही प्यारी साड़ी है, ये वाली साड़ी है, ये देखिए, साड़ी बहुत खूबसूरत है। तो
मतलब पहले ही मैं दीदी लोगों से बोली थी ना कि अगर अब मुझे कुछ देना होगा तो सिंपल में साड़ी देना, बहुत ज़्यादा वर्क वगैरह की नहीं, और बहुत हैवी साड़ी मत देना, तो उस हिसाब से उसने दिया है। फिर भी बहुत खूबसूरत ये साड़ी है। तो ये साड़ी मुझे, मेरे ऊपर अच्छी भी लगेगी, दीदी ने दिया हुआ है। इसके साथ में वही सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक आलता, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक आलता नेल पॉलिश और ये चूड़ी, ये सारी चीज़ें हैं, प्लस एक बिछिया, मैं वन पेयर बोल रही थी। तो अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया हुआ है, ये दीदी ने पिटारा दे रखा हुआ है, ये दीदी का ही दिया हुआ था, इसने पैसे करके दी हुई थी। जल्दी जल्दी में दीदी भी सुबह ही मैंने उससे भी बताया था, उसको जो भी समझ में आया, मतलब सुबह ही उसको स्कूल भी आना था और इस तरह से तैयार करके जीजू से बोल दी ये ले लेना। तो ये बिछिया जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, ये तो ये बिछिया दिल बना हुआ है, इसमें डबल दिल बने हुए, अरे वाह, नहीं दिख रहा उतना अच्छे से, डबल दिल बना हुआ है इसमें। और उसके बाद दीदी ने दिए थे दीदी और जीजू ने दिए थे ये साड़ी बिछिया और ये सब सामान, चूड़ी वगैरह और जो भी मेकअप का सामान है, और 1001 रुपये। तो ये जो है सब दीदी का है इतना सामान, और पापा और मम्मी जी जो है 500 रुपये दिए हुए हैं, मतलब 501 रुपये। तो ये पापा मम्मी का हो गया, सबका अलग अलग है, इसी में मैंने सब भर रखा हुआ है। और उसके बाद अब बात करते हैं अपने पतिदेव जी की। तो वो हमारे साथ थे, और मतलब वो हमारे साथ में थे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए, ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहे, और हमेशा उनका साथ जो है हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। मैं हमेशा अपनी आंखों से उनको देखती रहूं, बस इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर उस दिन हम लोग मंदिर गए हुए थे मॉर्निंग में, और मंदिर से आने के बाद आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में, 2 दिन के पहले के ब्लॉग में, उसमें मैंने दिखाया हुआ था लास्ट में कि मैं एक दुकान पे गई हुई थी, एक शॉप पे गई हुई थी, वहाँ पे कुछ सामान वगैरह ले रही थी। तो इन्होंने वहाँ पे मुझे बहुत सारा सामान दिलाया, तो मैं चलिए उसको भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत है ये, इन्होंने मुझे दिलाया है, और ये सब कुछ जो है मैं लहंगे पे पहनने के लिए मैंने लिया हुआ था, और ये नेकलेस जो आप लोग देखे थे मैं पहन रखी थी, ये भी इन्होंने ही दिलाया हुआ था। तो ये नेकलेस और इसके साथ में ये इयररिंग था। तो ये इनका दिलाया हुआ है। इस कलर की चूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा था ना कि इतना और लेंगे, लेकिन ये ना जल्दी से मिलती नहीं है यहाँ पे, मतलब नहीं मिल पाती है उतनी, तो इसलिए मैंने अपने बहनों से बोला था कि तुम ऑनलाइन ले लेना, ऑनलाइन ले लेना। वो लोग ली भी, मतलब साड़ी के कलर का ली वो लोग। तो एक चीज़ है, मैं इसे ना यहाँ पे 25 रुपये दर्जन ली हुई हूँ, 25 रुपये दर्जन, और जो ये लोग ऑनलाइन ली हुई हैं वो 30 रुपये दर्जन पड़ा है। तो और कुछ तो मतलब ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छी मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें खासतौर पर मैंने चूड़ी वगैरह देखा है महंगी मिलती हैं। तो ये जो है हमने लिया हुआ था, और इसी के साथ में मैंने ये मैचिंग करवाया, तो बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में। तो बट जो है वो लोग लेकर चली आई, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे ही मैंने सोचा था, उसी के लिए मैं इसको लेकर आई थी, बट उन लोगों ने कह दिया कि साड़ी पहनो, फिर ये भी तैयार हो गए, और वो लोग अपना मतलब जो चूड़ी वगैरह लेकर आई थी उसके लिए, तो उसी पे मैंने ये पहना लिया था। अच्छा लग रहा है ना।
तो ये पतिदेव का है, ये गिफ्ट इनका है। बहुत खूबसूरत है ना, इससे इससे प्यारी चीज़ें और क्या हो सकती हैं तोहफे में इनसे। तो ये इनका था, प्लस ये कॉम्पैक्ट इन्होंने दिलाया था मेरे पास, बहुत दिन से कॉम्पैक्ट ख़त्म हो गया था। लक्मी 925 का है ये प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन ये है। इसका मैं आप लोगों को बाद में रिव्यू दे दूँगी। और ये दो ठो लिया था मैंने, नहीं ये नेल पेंट दिलाया था दो, ये लिपस्टिक भी इन्होंने ही दिलाया था। और ये क्लिप प्लस काजल नहीं था हमारे पास, तो काजल भी इन्होंने ही दिलाया था लक्ष्मी का। तो चलिए ये सारा गिफ्ट था, और बाकी तो आप लोगों ने देखा ही कि जो कुछ भी था सब लोगों का। तो दोस्तों आप सब बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, और बस आप सब ब्लॉग में ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और घर के मतलब जो बाकी सब लोग आए हुए थे ना, मैं उसको भूल गई हूँ, वो लोग भी पैसे ही दिए थे सभी लोग। तो चलिए दोस्तों फिर अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए दोस्तों फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, टाटा बाय बाय। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब रखिएगा अपना ख्याल, बहुत अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप हमारी सारी वीडियोज़ देखते रहें। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।